ओके हाय एवरीवन, लास्ट टाइम पे अपन ने ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ा था, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा था, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ मैं। देखिए होता क्या है कि ट्रांसवर्स एक्सिस, आई रिपीट ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स मतलब जैसे एलिप्स में बड़ा वाला एक्सिस कौन सा होता था, मेजर, यहाँ पे बड़ा वाला छोटा वाला कुछ नहीं होता है, जो एक्सिस दोनों फोकस को कंटेन कर रहा है उसको अपन कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। उस ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो होगी वो A1 A2 डिफाइन करेगा, ठीक है। अच्छा, उस ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ पे अगर मैंने सर्कल बनाया तो वो ऐसा सर्कल आएगा, लाल वाला। नहीं आया समझ में, कैसा सर्कल आएगा? ये जो रेड वाला सर्कल है वैसा सर्कल आएगा। इस सर्कल को अपन कहते हैं ऑक्सिलियरी सर्कल। क्या कहते हैं? ऑक्सिलियरी सर्कल। अच्छा, अब इस ऑक्सिलियरी सर्कल में जो रेडियस है दैट इज डेफिनेटली ए, बिकॉज द डायमीटर इज 2a, है ना। डायमीटर क्या है? 2a है, तो इसका रेडियस क्या है? a। अच्छा, अब मैंने बोला कि इस ऑक्सिलरी सर्कल पे आप कोई भी एंगल थीटा पर, कोई भी एंगल थीटा पर अगर रेडियस को रखते हो तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। कोई भी एंगल थीटा पर अगर आप रेडियस को पॉइंट करते हो तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, मतलब अगर मैंने थीटा एंगल पर पॉइंट करा तो यहां पर क्या मिलेगा पॉइंट? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। उसके करस्पॉन्डिंग हाइपरबोला पर क्या मिलेगा? ए सेक थीटा, बी टैन थीटा। मतलब दिस पी वन इज डिक्टेटिंग पी, पी वन जो है वो पी को डिक्टेट कर रहा है, मतलब वो उसको रूल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मान लो 30 डिग्री पर जाते तो आपको सर्कल पर एक पॉइंट 30 डिग्री पर मिलता, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आप हाइपरबोला पर जाते तो आपको हाइपरबोला पर भी एक 30 डिग्री का पॉइंट मिलता, ए सेक 30, बी टैन 30। समझ में आ रहा है? आपको बस इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, हालांकि हर बार नहीं बनाना है, वो तो अपन सिर्फ डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, जितने पॉइंट सर्कल पर आप ले सकते हो थीटा पर, उस थीटा के करस्पॉन्डिंग बार बार अपने को अलग अलग पॉइंट मिलेंगे हाइपरबोला पे, ठीक है। तो अगर आपने यहां पर मान लो 120 डिग्री का पॉइंट लिया, तो देखो कैसे करेंगे अपन, मैं इसको ऐसा समझता हूँ। 120 पर पॉइंट लिया, टेंजेंट बनाया, डिश किया हूं, फिर टेंजेंट को एक्सटेंड करा ऊपर हाइपरबोला पे, ये वाला पॉइंट जो मिला दैट इज ए सेक 120, बी टैन 120, खत्म। तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें जो एसेंट्रिक एंगल होता है हाइपरबोला में, दैट इज एक्चुअली सर्कल का एंगल, सर्कल का जो एंगल थीटा है वो होता है एसेंट्रिक एंगल, और उसके करस्पॉन्डिंग आप टेंजेंट बनाते हो सर्कल पर, और फिर उसको हाइपरबोला पे एक्सट्रापोलेट करते हो, है ना, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तब जाके आपको पॉइंट मिलता है। मतलब आपको बस फील लेना है इस चीज का कि जो थीटा है वो सर्कल का है, थीटा हाइपरबोला में नहीं होता है कहीं पे भी, थीटा सर्कल पर होता है, अपन पॉइंट को फिर खींच खींच के हाइपरबोला तक ले जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक अभी समझ में आया होगा। तो हाइपरबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया? ए सेक थीटा, बी टैन थीटा, ए सेक थीटा, बी टैन थीटा। अच्छा चलिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ हाइपरबोला ये होता है। इसका मतलब ये भी हो गया कि एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला कैन बी अज्यूम्ड एज दिस, तो इसको अपन पैरामेट्रिक पॉइंट कहते हैं, है ना, इसको अपन कहते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन हाइपरबोला, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल पढ़ते हैं। लिखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा होगा बाहर से, मेरे को भी आ रहा है। नाइन्टी डिग्री पर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, समझ रहे हो? ये आपको खुद से समझ जाना चाहिए विवेक। कैसे? अरे यार, ओके, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा वॉइस का, लेकिन अब क्या कर सकते हैं ना। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था,
कि 90 डिग्री पर आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा हाइपरबोला पे, बिकॉज इट इज वेरी ऑब्वियस कि 90 डिग्री पर जो टेंजेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा अपने को, है ना। और ऐसे भी सोच सकते हो कि टेन 90 नॉट डिफाइंड, सेक 90 भी नॉट डिफाइंड, 1 अपॉन कॉस 90, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो दोनों ही नॉट डिफाइंड है, तो 90 डिग्री इसेंट्रिक एंगल यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छी बात है, वैसे आपको कभी भी ये फेस करने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने चलो सोचा, अच्छी बात है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिलियरी सर्कल मैं आपको है ना शॉर्ट में पहले बता देता हूँ, फिर अपन फिगर बना के इसको लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो क्या होता है, ये होता है हाइपरबोला, इस हाइपरबोला पर ये होता है ऑक्सिलियरी सर्कल, क्या होता है ये ऑक्सिलियरी सर्कल। अच्छा अब हाइपरबोला पर एक चीज होती है फोकस, वन सेकंड, क्या होता है फोकस, कितने फोकस होते हैं, दो। अच्छा अब एक बात बताऊं, देखो फोकल लेंथ क्या होता है, व्हाट इज फोकल लेंथ या फोकल रेडियस, एक ऐसा पॉइंट जो कि हाइपरबोला पर लाई करता है और जिसका फोकस से डिस्टेंस अगर अपन मेजर करें तो दैट विल बी फोकल रेडियस, है ना। किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस उसका फोकल रेडियस होता है, हर पॉइंट का अलग अलग रेडियस आएगा, सर्कल के जैसा नहीं होता है कि सब पॉइंट का सेम रेडियस आएगा। हाइपरबोला में, एलिप्स में, पैराबोला में सबका फोकल रेडियस होता है, हर पॉइंट का अलग अलग होता है। इस फोकल रेडियस पे, सुनना ध्यान से, घुसेगा नहीं दिमाग में इसलिए बोल रहा हूं, इस फोकल रेडियस पे अगर मैंने एक सर्कल बनाया डायमीटर मान के, क्या मान के, डायमीटर मान के अगर मैंने एक सर्कल बनाया, फोकल रेडियस को डायमीटर मान के एक सर्कल बनाया, तो इट विल टच द ऑक्सिलियरी सर्कल, इट विल टच द ऑक्सिलियरी सर्कल, बस इतनी सी बात है। इसको अपन अंग्रेजी में लिखेंगे, इसका प्रॉपर फिगर भी बनाएंगे, बट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फोकल लेंथ को, किसको, फोकल लेंथ को डायमीटर मान के अगर सर्कल बनाओगे तो इट विल टच द ऑक्सिलियरी सर्कल। यही चीज अपन ने पहले भी पढ़ी है ना। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूंगा तो देखिए क्या आएगा, सर्कल डिस्क्राइब्ड, सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर, ऑन फोकल लेंथ एज डायमीटर ऑलवेज टचेस, ऑलवेज टचेस द ऑक्सिलियरी सर्कल, ऑलवेज टचेस द ऑक्सिलियरी सर्कल, ठीक है। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यार देखो अगर आपको बहुत ज्यादा मन है प्रूफ लिखने का, ठीक है, तो आप क्या करो, ये पॉइंट ले लो पी को, ए सेक थीटा बी टैन थीटा, अगर प्रूफ लिखने का मन है किसी का उसके लिए बता रहा हूं मैं। और फोकस का कोऑर्डिनेट बच्चा बच्चा जानता है, ए ई कॉमा जीरो होता है, तो आप ये सर्कल, लाल वाले सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल, ये डॉटेड सर्कल जो है आपका ऑक्सिलियरी सर्कल उसकी इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, एलिप्स के केस में यही वाली चीज इंटरनली होती थी, लेकिन यहां पर आप बोलोगे कि एक्सटर्नली अगर टू सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ये चीज आपको प्रूफ कर देना, ये प्रूफ हो जाएगा। अब अपन थोड़ी ना इसको प्रूफ करते बैठेंगे, अपन इसको सीधे याद रखेंगे, ठीक है। So this is C1, this is C2, and we have दोनों का radius. तो for proof, just prove that C1 C2 is equal to R1 प्लस R2, है ना, तो आपका पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। हालांकि प्रूफ की जरूरत है नहीं, कोई नहीं पूछेगा अपने से। आगे बढ़े, लिखिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला, कॉर्ड का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
ऑफ हाइपरबोला। सॉरी सर, लास्ट वीक अटेंडिंग अरे सब्जी वाला चेंज नहीं हुआ, सब्जी वाली आ गई है और आंटी ने स्पीकर लगा लिया है एक बहुत बड़ा। अब वो स्पीकर में बजता रहता है कि कौन कौन सी सब्जी है, और इतना जोर से बजता है बता नहीं सकता हूँ, इसलिए म्यूट कर दिया। वो चीज़ बेकार में रिकॉर्ड हो जाए क्या फ़ायदा फिर भी हो गया थोड़ा बहुत। अच्छा काम की बात देखते हैं, अपन कॉर्ड की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉर्ड की। कॉर्ड फोटो बन रही दिमाग में, सबसे पहले दिमाग में फोटो बनाओ। कॉर्ड होता क्या है? कॉर्ड मतलब कोई भी कर्व के दो पॉइंट को चूज कर लो, दो पॉइंट को कट करने वाली लाइन होती है, वो होती है कॉर्ड। ठीक है, इफ यू हैव टू हाइपरबोलास लाइक दिस, ठीक है, अगर हमारे पास दो हाइपरबोला इस तरह से है और दोनों हाइपरबोला पर मैंने एक कॉर्ड बनाया, क्या बनाया? कॉर्ड बनाया। ठीक है, अच्छा लेट अस से दैट वी हैव फोकस ऑफ हाइपरबोला एज दिस, S1, S2। फोकस है AE,0 और ये है माइनस AE,0। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है बट मैंने फिर भी लिख दिया। क्वाड का मतलब क्या होता है? कि फिगर को दो पॉइंट पे कट कर जाए। तो हाइपरबोला पर क्वाड आप ऐसे बना सकते हो, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये बन गया क्वाड, दिस इज वन ऑफ द क्वाड्स। एक ऐसे ही बना सकते हो आपकी इस वाले पोर्शन पे, है ना, हाइपरबोला का दो हाफ होता है, एक ये वाला हाफ और एक ये वाला, तो दोनों पर कॉर्ड बनाई जा सकती है। और एक और तरीका होता है कॉर्ड बनाने का, क्या कि आपने एक पॉइंट इस वाले हाफ से लिया और एक पॉइंट आपने उस वाले हाफ से लिया। बात समझ में आ रही है आपको? ये भी कॉर्ड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई दोनों सेम ही कर्व है, दोनों कर्व सेम है। ठीक है, अच्छा 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर कॉर्ड ले लेते हैं, है ना, ये तीन तरह के कॉर्ड बनाए जा सकते हैं, ये मैं आपको समझा रहा था, है ना, बट वील टेक जस्ट वन कॉर्ड। तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाला कॉर्ड ले लेता हूँ, दिस वन। ओके, ऐसे ही मन कर रहा है तो ले लेता हूँ। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक है, मान लेते हैं इसका इसेंट्रिक एंगल जो है दैट इज अल्फा, ठीक है, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है और इसका इसेंट्रिक एंगल बीटा है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ए सेक अल्फा कॉमा बी टैन अल्फा, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको, ए सेक अल्फा बी टैन अल्फा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए सेक बीटा कॉमा बी टैन बीटा। हमने इसका पूरा डेरिवेशन करा था एलिप्स में, आपको अगर याद होगा तो, काफी लंबा डेरिवेशन करा था इस क्वाड की इक्वेशन निकालने के लिए। आई विल नॉट डू द डेरिवेशन, आई विल डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला। क्या लिखेंगे अपन? देखिए PQ जो लाइन है आपके सामने उसका स्लोप लिख सकते हो, हर कोई क्लास का हर बच्चा इसका स्लोप लिख सकता है, PQ लाइन का Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1, स्लोप लिख दिया, एक पॉइंट पता है, इक्वेशन आ गई कॉर्ड की। अरे भाई स्लोप लिख दोगे, पॉइंट पता है आपको, इक्वेशन आ जाएगी लाइन की। यस, तो वो इक्वेशन क्या आती है वो मैं लिखने जा रहा हूं। ओके, तो कॉर्ड की इक्वेशन जो आती है वो ये आती है, फाइनल इक्वेशन अपन याद रखेंगे, एकदम एलिप्स जैसा है, बस थोड़ा सा साइन का चेंजेस है। x by a cos of alpha minus beta by 2 minus, उधर प्लस आता था, y by b sin of alpha plus beta by 2। ओके, थोड़ा मुश्किल है इसको याद रखना क्योंकि इसमें कोई खास पैटर्न नहीं बन पाता है, is equal to cos of alpha plus beta by 2।
ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू टू पॉइंट जिनका इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा है। दो पॉइंट जिनका इसेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा है उनके कॉर्ड की इक्वेशन ये आती है। अभी इलिप्स के कॉर्ड की इक्वेशन सबको याद है अच्छे से, सेम होता था। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और बीच में प्लस होता था ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन थोड़ी सी उल्टी पुल्टी है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर नजर आ रहा होगा तो इधर अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, थोड़ी सी गड़बड़ है, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज, है ना। हालांकि कॉर्ड से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट जितने भी आते उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अच्छा, जो आपको मैंने टॉपिक वन दिया था उसमें एक दो क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आ रहा था, वही मैं एक बार देख लेता हूं। हालांकि ठीक है, लेट अस डू वन क्वेश्चन। देखिए इफ एक इफ अच्छा एक मिनट है ना, जस्ट वेट फॉर वन मिनट। थ्री टेन फाइव ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी गुड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा एंड ए सेक फाइव कॉमा बी टैन फाइव आर द एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड। Of a focal cord of x square by a square minus y square by b square is equal to 1. Then prove that tan theta by 2 into tan phi by 2 is equal to 1 minus e upon 1 plus e। पहले क्वेश्चन लिख लो, समझ लो, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सेम चीज अपन ने एलिप्स के लास्ट लेक्चर में समझी थी, बट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में समझा था। तो दो पॉइंट दे रखे, दे आर द एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स है। प्लस वाला सिंबल जो है वो ए के पास है, तो डेफिनेटली सॉरी एक्स के पास है प्लस वाला सिंबल, तो आपका हाइपरबोला। मैंने एलिप्स बोल दिया कि गलती से, अगर बोला हो तो कोई बात नहीं। जो हाइपरबोला आएगा That will be lying on the x-axis, ठीक है। तो फोटो बना लेते हैं, थोड़ा सा फोटो से क्या काम आसान हो जाता है। दिस इज द हाइपरबोला, ओके। इस हाइपरबोला में और इस हाइपरबोला में हाँ, एक पॉइंट अपने पास P और एक पॉइंट Q। P का इसेंट्रिक एंगल जो है वो थीटा है और Q का जो इसेंट्रिक एंगल है वो फाई है। तो आपको बोला है कि इनको ज्वाइन करने वाली एक कॉर्ड है। क्या है? कॉर्ड है। दे आर द एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड, ओके। तो आपको ये प्रूफ करना है कि tan थीटा बाई टू इंटू टेन फाइव बाई टू दे आर एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, दे आर एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड, ओके। तो ये फोकल कॉर्ड के एंड है, मतलब डेफिनेटली ये फोकस से पास हो रहे होंगे,
ये डेफिनेटली फोकस से पास हो रहे होंगे। मैं काम करता हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना, वेन एवर द फोकस इज इन्वॉल्व, जब भी फोकस इन्वॉल्व होता है तो मैं वो वाला फोकस लेता हूँ, अच्छा वाला। अच्छा वाला फोकस मतलब जिसमें माइनस ना हो, ताकि कैलकुलेशन अननेसेसरी मुश्किल ना जाए। तो आई विल टेक दिस वाला, ये वाला फोकस, क्योंकि ये ए ई कॉमा जीरो है, वो माइनस ए ई हो जाता है ना, मेरे को माइनस साइन पसंद नहीं है। तो पी थीटा और क्यू फाई आप उसमें भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा उसके, वो दैट वोंट चेंज। ठीक है, सो दिस इज द फोकल कॉर्ड। अब फोकल कॉर्ड का इक्वेशन मेरे को याद है, अभी अभी मैंने आपको लिखवाया था, आपको भी याद होना चाहिए। क्या होता था, x by a cos y by b sin is a, बीच में माइनस आता है ना, इज इक्वल टू cos ऑफ समथिंग। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और बाकी दोनों पे अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ये बात अभी तो समझ में आ रही है, शायद अभी याद भी रह जाएगी, लेकिन कल तक आप भूल जाओगे, परसों तक तो आपको बिल्कुल याद ही रहेगा। और जस्ट इमेजिन आज से 5 महीने बाद 6 महीने बाद आपको इस चीज़ का हवा भी नहीं रहेगा कि अपन ने ये पढ़ा है, आप ये भी भूल जाओगे कि अपन ने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, मैं आपको हर लेक्चर में बस एक ही चीज़ बताता हूँ कि मेमोरी का गेम है पूरा। Okay, so this is the equation of the focal cord. Now this focal cord passes through focus. This focal cord passes through AE, comma 0. AE, comma 0 से पास कर रहा है तो अपन इसको पुट कर देंगे, तो x की जगह AE डालेंगे यहाँ पे, तो A और A कट जाएगा, दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, इधर देखो ध्यान से, x की जगह अगर मैंने ए ई डाल दिया तो ए और ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई ई टाइम्स, अच्छा ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की जगह आप थीटा माइनस फाइव लिख सकते हो, थीटा माइनस फाइव, थीटा प्लस फाइव, और थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो यहां पे बचेगा e टाइम्स कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू, y तो जीरो हो गया ना पुट, y तो जीरो हो गया, और RHS में क्या बचेगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। लिखो यहां तक पहले, क्या मैंने सही लिखा, यस एकदम सही, सब कुछ सही। हम सोचेंगे अभी, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि tan टेंजेंट लाना है पहली बात तो, और दूसरी बात 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई लाना है। ठीक है, इसका आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना के दिया जा सकता था आपको। ओके, अब देखो आपको लाना है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, पहले अपन क्या करते हैं, ई को अकेला कर देते हैं। अगर आपने ई को अकेला कर दिया तो ई का वैल्यू आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव अपॉन थीटा प्लस फाइव बाई टू, है ना, तो कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, ये आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है ना, आपको 1 माइनस ई चाहिए और 1 प्लस ई चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई, यहां पे ई अपॉन 1 लिखा है, कैसे लाएंगे, ई माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपको आता होगा अच्छे से, है ना, आपको बचपन में बहुत छोटे थे जब सिखाया गया था, और मैंने आपको क्लास 11th में भी रिवाइज कराया था, अभी भी रिवाइज करा दे रहा हूँ, कि न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। मैं माइनस को ऊपर लिख दे रहा हूँ, फर्क थोड़ी पड़ता, सेम चीज आरएचएस में भी की जा सकती है। तो मतलब कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू,
अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस फाइव बाई टू प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव बाई टू। ओके तो आपके सामने रिजल्ट क्या आ जाएगा? अभी तो रिजल्ट नहीं आया, यहां पे आपको cos c माइनस cos d लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। cos c माइनस cos d लगा दूं? पक्का? क्या बात कर रहे हो, चलो लगा देते। cos c माइनस cos d क्या होता है? थर्ड वाला फॉर्मूला है, फोर्थ वाला? फोर्थ वाला है ना, मतलब sin cos cosine cos cos sin 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 आ जाएगा ना, और वो भी माइनस का आएगा, ध्यान रखना माइनस आएगा जरूर यहां पे। तो माइनस ऑफ sin sin, जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से पढ़ी है और खासकर मुझसे पढ़ी है उसको ये चीज एक बार में समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। साइन साइन मतलब साइन ऑफ। अच्छा देखो अद्वैत, आपने एक गलती करी थी लास्ट टाइम, हम माइनस बाहर लगाते हैं तो अंदर आप क्या लिखोगे? सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू। अगर आप माइनस नहीं लगाते हो बाहर तो अंदर आपको डी माइनस सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस डू द कैलकुलेशन मेंटली, दोनों को ऐड करो, सी प्लस डी बाई टू को छोड़ दो, थीटा प्लस फाइव थीटा माइनस फाइव, फाइव फाइव कट गया, ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? टू थीटा, टू थीटा अपॉन टू कितना आ जाएगा? सिर्फ थीटा, और थीटा बाई टू आ जाएगा यहाँ पे। अरे यार ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, दिस प्लस दिस बाई टू करके देख लो, अगर फड़फड़ाहट हो रही तो रफ में करके देख लो, है ना। अच्छा दिस माइनस दिस बाई टू, ये क्या आ जाएगा? थीटा थीटा कट जाएगा, टू फाइव बाई टू फाइव, और फिर से बाई टू करना है तो फाइव बाई टू। गेटिंग गेटिंग द पॉइंट? फिर कॉस सी प्लस कॉस डी, थर्ड वाला फॉर्मूला है, साइन कॉस 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 साइन कॉस कॉस साइन साइन, ये कॉस कॉस आएगा, तो कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। सी प्लस डी कितना आ जाएगा? फाइव बाई टू, सॉरी थीटा बाई टू, और ये आ जाएगा फाइव बाई टू। ओके अच्छा टू भी आएगा, बट आप लोग समझदार हो और मैं भी समझदार हूँ, है ना, इतनी तो पढ़ाई अपन ने करी है कि टू टू कट जाएगा, इस कारण लिखने की जरूरत नहीं थी। अच्छा चलो तो ये कितना हो गया? टैन फाइव बाई टैन थीटा बाई टू टैन फाइव बाई टू, और एक नेगेटिव साइन बाहर है, तो माइनस ऑफ टैन थीटा बाई टू इंटू टैन फाइव बाई टू इज इक्वल टू ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन। एक्सेलेंट, लेकिन मेरे को क्या प्रूफ करना था? अच्छा माइनस साइन हटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, एक स्टेप और लिख देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा टैन ऑफ थीटा बाई टू इंटू टैन ऑफ फाइव बाई टू इज इक्वल टू वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। सर ये वाला रिजल्ट याद कर लिया जाए, है ना, इसको आप प्लीज याद कर सकते हो अगर आप चाहे तो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हाँ सर, मैंने सी एन डी लगाने से पहले कॉस एफ ए प्लस बी को एक्सपैंड किया। अच्छा इसको एक्सपैंड कर दिया ना, कॉस ए कॉस बी साइन बी साइन साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। अच्छा ठीक है ऐसे कर लो, थोड़ा लेंदी हो गया होगा लेकिन आ जाएगा आंसर। टू बी रिमेंबर्ड, इफ यू वॉन्ट यू कैन रिमेंबर दिस इफ यू वॉन्ट। ओके मतलब क्या हो गया कि फोकल कॉर्ड के दो एक्सट्रीम्स है अपने पास, थीटा और फाई, उन दोनों का हाफ टेंजेंट का प्रोडक्ट 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई होता है। आप चाहे तो याद रख सकते, अदरवाइज हम प्रूफ तो कर ही सकते हर बार, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं फोकल कॉर्ड की। लिखिए, कॉर्ड में भी एक स्पेशल कॉर्ड होता है फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो अपन लिखेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए फोकल कॉर्ड, मैं आपको लिखवा के छोड़ दूंगा, प्रूफ नहीं करेंगे अपन, है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहली बात तो फोकल कॉर्ड क्या होता है वो आपको पता है। व्हाट इज फोकल कॉर्ड? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस।
कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, इस कॉल्ड इज फोकल कॉर्ड। देखिए काम की बात यह है कि आई जस्ट कॉपी द फिगर, बार बार कौन बनाएगा। काम की बात यह है कि अगर हमारे पास कोई फोकल कॉर्ड है और ये फोकस है आपका एस, तो होता क्या है कि इसके दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है पीएस और एक होता है क्यूएस। पढ़ा था अपने एलिप्स में, आपको ये पढ़ाया गया था कि पीएस और क्यूएस का हार्मोनिक मीन, पीएस और क्यूएस का हार्मोनिक मीन जो होगा वो सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सेम रिजल्ट यहां पर भी वैलिड होता है, वन अपॉन एस पी ऊपर वाला सेगमेंट, वन अपॉन एस क्यू नीचे वाला सेगमेंट। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का लेंथ क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन a, और इसका सेमी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सेमी लेटस रेक्टम के बराबर एक्चुअल में क्या आ जाएगा, आपका उल्टा आएगा ना ये। अच्छा, यहां पर 2 आएगा और सेमी लेटस रेक्टम बी स्क्वायर अपॉन ए, और वो 2 ऊपर आ जाएगा। यस, कोई बड़ी बात नहीं लिखी मैंने। ठीक है, सेम चीज अपन ने करी है एलिप्स पे, सेम चीज अपन ने करी है पैराबोला पे। तो अब मेरे से मत पूछना कि ये कैसे आया, दिस कैन बी प्रूव्ड इन अ सिमिलर वे दैट वी हैव डन इन एलिप्स। 1 अपॉन एस पी प्लस 1 अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू 2 ए अपॉन बी स्क्वायर। मतलब आप सिर्फ ये समझो कि एस पी को अगर आपने बोल दिया ए और एस क्यू को आपने बोल दिया बी, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, इनका हार्मोनिक मीन क्या होगा, दो नंबर का हार्मोनिक मीन क्या होता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही होता है। दिस मस्ट बी इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम के लेंथ का आधा बस। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है यहां पे। तो आप लिखेंगे 1 अपॉन एस पी 1 अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम का हाफ। अब कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो कॉर्ड विद मिडिल पॉइंट की बात तो करनी पड़ेगी। तो लिखिए कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट, खत्म, चालू होते ही खत्म हो गया, टी इज इक्वल टू एस वन। ठीक है, अगर हमारे पास हाइपरबोला में एक ऐसा कॉर्ड है, हाइपरबोला में एक ऐसा कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट पता, आप देखो मैं आपके सामने है ना उटपटांग सा कॉर्ड बना देता हूं, ये वाला कॉर्ड, इसका मिडिल पॉइंट अगर हमें पता है, अगर हमें इसका मिडिल पॉइंट पता है और वो मिडिल पॉइंट जो है वो एक्स वन कॉमा वाई वन है। ठीक है, पी बोल देते इसको, और हाइपरबोला की इक्वेशन ऑलरेडी नोन है अपने को, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो आप कैसे लिखेंगे इसकी इक्वेशन, ये लाल वाले कॉर्ड की इक्वेशन आप डायरेक्टली लिख दोगे टी इक्वल्स टू एस वन से। ये सेम चीज एलिप्स में भी एप्लीकेबल थी, हाइपरबोला में भी एप्लीकेबल है और पैराबोला में भी एप्लीकेबल है। क्या बोल रहे हो आप, ए अपॉन बी स्क्वायर नहीं होगा बेटे, यहाँ का टू आएगा ना ये वाला। अरे अपन ने क्या करा है, आपको ये बोला है कि एस पी एस क्यू और सेमी लेटस रेक्टम, सेमी एल आर, सेमी एल आर, ये तीनों एच पी में है, ये तीनों एच पी में, तो इन तीनों का, अच्छा तीनों एच पी में भी इस तरीके से, जो एल आर बाय टू है और एस क्यू है, इस तरह से एच पी में, तो इन तीनों का उल्टा कर दिया तो ए पी में आ गया। उल्टा करने के बाद 1 बाय एस पी आया होगा, 1 बाय एस क्यू। मैं ये सब चीजें समझाना नहीं चाहता हूँ बार बार, क्योंकि यार हम लोग पर 2 बाय एल आर है ना। अब ये तीनों एपी में है, तो एपी में क्या होता है तीन नंबर्स के बारे में, अगल बगल वालों का एवरेज होता है ना बीच वाला, वही लिखा है यहाँ पे बाय 2 आता, वो ऊपर उचक के चला गया। आप चाहे तो उसको फिर से रिवर्स कर सकते हो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले सकते हो अगर आपका मन है तो। ठीक है, लेकिन ऐसे याद रह जाता है इसलिए अपन ने इसी फॉर्मेट में छोड़ा, और कोई रीजन नहीं। आप चाहे तो इसका रेसिप्रोकल ले सकते थे।
तो t इज इक्वल टू एस वन होता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद द मिडिल पॉइंट। t मतलब क्या हो गया, x x1 बाय a स्क्वायर माइनस y y1 बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू s1। s1 मतलब पुट कर दो यहाँ पे, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक लल्लू सा क्वेश्चन कर लिया जाए। फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, फाइंड द लोकस। ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ हाइपरबोला 3x square minus 2y square plus 4x minus 6y is equal to 0. Parallel to y is equal to 2x. काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई समझ नहीं रहा है। आपने जब तक क्वेश्चन लिखा तब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड देखते ही चमक जाना चाहिए कि t इज इक्वल टू x1 लगाना पड़ सकता है। ऑफ द हाइपरबोला, ये हाइपरबोला है, सुंदर हाइपरबोला नहीं है। मिड पॉइंट, अरे ये कोई भी हाइपरबोला है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, ये शिफ्टेड हाइपरबोला है, लेकिन है तो हाइपरबोला। और हाइपरबोला के मिड पॉइंट में कॉर्ड है, ये कॉर्ड और इस कॉर्ड का एक मिड पॉइंट होगा, उसका लोकस निकालना है आपको। ठीक है, तो जिसका लोकस निकालना है उसको मिड पॉइंट को मैं एच कॉमा के मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कैसे निकालेंगे लोकस, इस ब्लू वाले कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मुझे मिड पॉइंट पता है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड विद मिड गिवन मिड पॉइंट, हाइपरबोला की इक्वेशन जो है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी। अरे विवेक, इसमें क्या कंफ्यूज होने वाली बात है यार, ये चीज अपन तीसरी बार पढ़ रहे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपको पिछले दो बार भी समझ में नहीं आया था। देख लो फिर से, SP, चलो यार एक सेगमेंट ये है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, बस मैंने आपको कुछ समझाया थोड़ी था, मैंने बस आपको ये बोला था कि SP, SQ और सेमी लेटस रेक्टम तीनों HP, तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये लाल वाला हो गया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू वाला कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन क्या निकालना है आपको, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन दो नंबर्स का क्या होता है, SP into SQ upon SP plus SQ, ये होगा सेमी लेटस रेक्टम के बराबर। लेटस रेक्टम क्या है, यहां पे 2 भी आएगा ना, 2AB upon AB plus, ठीक है, हमें को आपको पूरा हार्मोनिक मीन समझाना पड़ेगा। देख लो भाई, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन ये होता है 2AB अपॉन A प्लस B, ये होता है हार्मोनिक मीन। तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन ये है, और आपको क्या बोला गया है कि दिस इज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, 2B स्क्वायर अपॉन A, मतलब B स्क्वायर अपॉन A।
है ना। तो ये टू को इधर पहुंचा दिया मैंने, इसको उल्टा कर दो ये आ जाएगा। उल्टा भी करके बता देता हूं, है ना, देख लो। उल्टा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा एस पी, इधर आ जाएगा एस क्यू, और नीचे आ जाएगा एस पी इंटू एस क्यू, एस पी इंटू एस क्यू, दोनों को दे दे रहा हूं मैं, डरना मत। और इधर भी उल्टा करेंगे तो 2a ऊपर आ जाएगा और b स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसके बाद भी बताना है क्या, 1 by sq, 1 by sp is equal to 2a upon b square। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हार्मोनिक मीन कैसे लिखा है, तो फिर भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मैं वो भी बता देता हूँ ना, हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन लिखना है आपको, तो उसका हार्मोनिक मीन अज्यूम कर लो कि h है, देख लो आप ध्यान से, है ना, ध्यान से देख लो हर कोई। ये लास्ट टाइम मैं आपको हार्मोनिक मीन समझा रहा हूं। दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन आप अज्यूम कर लो एच है। अगर ये इसका हार्मोनिक मीन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए एच और बी तीनों एचपी में होंगे, तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, और तीनों अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे तो उनका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। और ये तीन नंबर अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसका मतलब कि 1 upon a plus 1 upon b by 2 will be equal to 1 upon h। यहां से आप h का वैल्यू निकाल नहीं सकते, यही तो आएगा h का वैल्यू, ठीक है। यह होता है हार्मोनिक मीन। मैंने बस इसका इस वाले फॉर्मेट में छोड़ दिया था, आपको ये थोड़ी बोला मैंने कि दिमाग लगाओ यहां पे आप कि कैसे लाया, क्योंकि वो चीज मैं आपको समझा चुका हूं इलिप्स में, पैराबोला में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तो ये मिडिल पॉइंट है अपने पास। इसके रेस्पेक्ट में अगर आपको टी इक्वल्स टू एस वन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, विथ मिडिल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिडिल पॉइंट एम एच कॉमा के कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू एस वन। टी कैसे लिखेंगे अपन, दुनिया में जहां जहां x स्क्वायर है वहां पे x इंटू एक्स वन माइनस टू वाई इंटू वाई वन प्लस फोर टाइम्स x प्लस एक्स वन बाय टू, मतलब टू टाइम्स x प्लस h माइनस सिक्स टाइम्स y प्लस k, y1 की जगह k डालना था यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आ गया आपके सामने t, ये टी आया। एस वन मतलब क्या आएगा, जस्ट पुट द पॉइंट एच कॉमा के, आपके पास एस वन आ जाएगा। तो थ्री टाइम्स एक्स की जगह एच डाल दिया, वाई की जगह के डाल दिया, और फोर एच माइनस फोर के माइनस सिक्स के, है ना। अब आपको क्या बोला गया है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये लाइन की इक्वेशन है, हालांकि बहुत बड़ी इक्वेशन है लेकिन है तो लाइन की इक्वेशन। फिर लास्ट में बोला गया कि दिस इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x, दिस इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x, मतलब इसका स्लोप कितना है 2, तो इसका स्लोप भी 2 होगा, तो इसका स्लोप 2 के बराबर है, है ना, सिंस इट इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। अच्छा तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं अपन, है ना, ये वाली लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। पहले स्लोप निकालने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। तो 3x और 2x दिखाई दे रहा है आपको, तो 3xh प्लस 2x, 2h 6y और 2yk माइनस 2yk माइनस 6y, है ना, प्लस आगे क्या आएगा, आगे जो भी आएगा उससे मुझे कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका स्लोप आ जाएगा। तो स्लोप आ जाएगा आपके पास 3h प्लस 2x माइनस 2k प्लस 6y ओके, स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a अपॉन b, माइनस ऑफ 3h प्लस 2 अपॉन नेगेटिव ऑफ 2k प्लस 6, दिस मस्ट बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, ये माइनस माइनस काट देना, यू विल गेट फाइनली 3h प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2k प्लस 6,
तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी 3h-4k और 6 2s are 12, 2-12 इज -10 इज इक्वल टू 0, फिर फाइनल लोकस आ जाएगा 3x-4y-10 इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वेश्चन को और आगे ले जा सकता हूं, अभी इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कॉर्ड आ रही है दिस इज अ टेंजेंट टू सम अदर सर्कल, ऐसा बोल दिया मैंने। अरे भाई क्वेश्चन बनाने वाले का कोई कोई धर्म नहीं होता है ना, वो कुछ भी बना सकता है। वन सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 2 करा है ना मैंने, 2 into 2k+3, एक सेकेंड है ना, टी में 6 नहीं 3 होगा, ऐसा कह रहे हो क्या आप लोग? यस, एब्सोल्यूटली 3 होगा एंड वी विल हैव 3 हियर एज वेल, और यहाँ पर भी 3 होगा तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है अगर तो मैं बोल दूंगा कि ये किसी सर्कल पे टेंजेंट है, या ये किसी पैराबोला पर टेंजेंट है, या ये किसी इलिप्स पर टेंजेंट है, तो फाइंड फलाना फलाना कुछ भी फाइंड करने को दे सकता हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है आपको? तो बस आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, वरना आपको पता ही नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों ने जो पैरामेट्रिक कल देखा था ऑक्सिलरी, ठीक है, तो आपका कॉर्ड यहां पे खत्म होता है, तो आप क्या चालू होने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेंजेंट। लिखिए, टेंजेंट टू हाइपरबोला, टेंजेंट टू हाइपरबोला। चालू होते ही खत्म हो गया ये टॉपिक। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है, अब ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है और बहुत आसान है, क्योंकि जो आपने एलिप्स में पढ़ा है वही चीज सेम यहाँ पर भी पढ़ने वाले अपन, बट थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, बट वंस वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन आपको फिर नॉर्मल फील होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सबसे पहले कि लेट अस कंसीडर वन हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला कंसीडर करते हैं ना, कंसीडर एन हाइपरबोला, x²/a²-y²/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हम मानते हैं एक लाइन, कंसीडर अ लाइन y इज इक्वल टू mx+c। ठीक है, अब एक हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला और एक लाइन और हाइपरबोला के बीच में क्या क्या हो सकता है? आइदर दे विल इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट्स, लाइन और हाइपरबोला दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, या फिर वो एक पॉइंट पर टच करेगी।
या तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या तो एक पॉइंट पे टच करेगी, या तो फिर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग, मतलब कुछ ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो तीन केसेस बन सकते हैं, तीन केसेस बन सकते हैं। कैसे पता करेगी क्या होगा, हम क्या बोलेंगे कि जो लाइन है और ये जो हाइपरबोला, इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक बनेगी, हमेशा क्वाड्रेटिक बनती है, क्योंकि आप इमेजिन करो ना, ये y उठा के यहाँ पे डालोगे तो x स्क्वायर का ही टर्म बचेगा, मतलब x में क्वाड्रेटिक आएगी। नहीं आया समझ में, ये y सॉल्व करोगे अगर दोनों को, तो y उठा के यहाँ पे डालोगे तो एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का कुछ कुछ बनेगा, तो x में क्वाड्रेटिक आएगी, उसके अगर दो रूट हुए तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना, और दो रूट होने का मतलब कि दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। टू रूट्स का मतलब वी विल गेट टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो इफ d इज पॉजिटिव वी विल गेट केस 1, इफ d इज इक्वल टू 0 वी विल गेट ओनली वन रूट, इफ d इज नेगेटिव वी विल गेट नो रूट। मैं नहीं समझाने वाला ये सब चीजें, ये सब अपन पढ़ चुके पहले, हम ना इस पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। जस्ट सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग द लाइन and the hyperbola, दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक। वो क्वाड्रेटिक मैं डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे आप करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, तो आपको वो क्वाड्रेटिक मिलेगा, है ना, डेफिनेटली मिलेगा। तो चलो एक काम करते, कर ही लेते, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह हाइपरबोला, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बेटे इधर देखो ध्यान से, ये y जो है इसकी जगह मैं mx plus c रखना चाह रहा हूँ, y की जगह mx plus c रखना चाह रहा हूँ, तो रख दिया मैंने। अब स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब सी का स्क्वायर और बाहर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब माइनस टू एम एक्स सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब आप सबको रीअरेंज करोगे तो वॉट यू विल गेट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर एम सी एक्स, डर गए क्या, माइनस ए स्क्वायर ना 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 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव का, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। डरो मत, मजदूरी वाला काम है ना, यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा डायरेक्टली। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, बी स्क्वायर मतलब इस पर्टिकुलर चीज का स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है ना, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस है ऑलरेडी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको फाइनली आप अरेंज करोगे तो आपके सामने आ जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, डरना मत आप लोग, जो डिस्क्रिमिनेंट मैं लिख रहा हूँ वो फाइनल लिख रहा हूँ मैं, अभी आप इसको अरेंज करोगे एक स्टेप और लगाओगे तो आपका आ जाएगा, वो आता है सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमको तो तीनों कंडीशन निकालनी है, कि तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू केस वन, क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो सकता है, केस टू ये हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए, है ना, और केस थ्री डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, तीनों केसेस हो सकते हैं। पहला केस डी पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाए। अगर ऐसा हुआ
तो व्हाट विल इट इंप्लाई, डी पॉजिटिव होना मतलब दो रूट आना, दो रूट आना मतलब लाइन और हाइपरबोला, लाइन और हाइपरबोला कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन और हाइपरबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे, तो इसका मतलब बोलेंगे लाइन एंड हाइपरबोला इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। तो मैं डायरेक्टली सीकेंट लिख देता हूं यहां पे, सीकेंट अगर d इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा तो उस केस में आप क्या लिखोगे, टेंजेंट, और d लेस देन जीरो आ जाएगा तो आप लिखोगे नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट। ठीक है, यहाँ डेफिनेटली 4 इज ए की पावर 4 आएगा, है ना, सी स्क्वायर एम स्क्वायर ठीक था, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ऐसा हुआ तो डी पॉजिटिव, अगर सी स्क्वायर का वैल्यू ए एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हुआ तो टेंजेंट मतलब डी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, और डी नेगेटिव अगर आपने को चाहिए मतलब सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नाइदर सेकेंड नॉर टेंजेंट। खैर, ये तीन कंडीशन तो अपन ने पढ़ ली, कभी कभार यूज आएगा इसका, लाइन और हाइपरबोला अगर सेकेंड टेंजेंट और नाइदर सेकेंड नॉर टेंजेंट है तो उनके लिए आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेंट के सिंबल से, डिस्क्रिमिनेंट के इनइक्वालिटी से आपको याद रखना है, डी पॉजिटिव मतलब सी स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, d equals to 0 मतलब c square equals to 0, d negative मतलब c square is negative, समझ रहे हो इस बात को। अब काम की बात, तो टेंजेंट वाला ये वाला जो केस है, दिस इज व्हाट वी वांटेड, फ्रेम ड्रॉप इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पीड थोड़ी सी कम है। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन अपन ये लिखेंगे कि अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इफ कांस्टेंट इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब वही वाली बात होगी, ये हाइपरबोला है और एक लाइन ने बोला कि मुझे तुम पर टेंजेंट होना है, मेरा स्लोप 2 है या मेरा स्लोप m है, लाइन ने बोला कि मेरा स्लोप m है और मुझे तुम पे टेंजेंट होना है, तो हाइपरबोला ने बोला कि अपना जो कांस्टेंट है उसको a स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन सॉरी a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर पर कर लो, अपने कांस्टेंट की वैल्यू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर कर लो, हो जाएगा, आप टेंजेंट हो जाओगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, लेकिन फिर ये लाइन जो है इसने बोला कि सर ऐसे तो मैं दो तरह से टेंजेंट हो सकती हूँ, देखो एक ऐसे है ना, और सेम स्लोप के साथ तो मैं ऐसे भी टेंजेंट हो सकती थी, तो एक पर्टिकुलर स्लोप की लाइन दो तरह से टेंजेंट हो सकती है हाइपरबोला में, इसीलिए सी का दो वैल्यू मिलेगा आपको, इसीलिए आपको सी का वैल्यू प्लस और माइनस दो दो मिलेगा, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला।
ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं फाइनली द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लो फॉर्म। तो सबसे पहले अपन अब एकदम काम की चीज लिखने वाले हो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इन स्लो फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू हाइपरबोला इन स्लो फॉर्म। इन स्लो फॉर्म में क्या आएगी टेंजेंट की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए एम का होल स्क्वायर है ना। अच्छा टेंजेंट फॉर्म में ये आ जाएगा, स्लो फॉर्म है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, मैं आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी लिख के दूंगा। सेकंड आता है इन पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, ये अपन यहीं पे लिख के खत्म कर लेंगे ना, फ्यूचर के लिए वेस्ट नहीं करेंगे अपन ये टाइम। पॉइंट फॉर्म में अगर आपको टेंजेंट का स्लोप लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में टी इक्वल्स टू जीरो, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नहीं ऐसा टेंजेंट नहीं हो पाएगा विवेक, वैसा टेंजेंट नहीं हो पाएगा ना, मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे अपन इसको, वो फिर टेक्निकली सीकेंट कहलाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ जी, तो इन पॉइंट फॉर्म में आपको क्या बोल रहा था कि टेंजेंट टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय वाई, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन एट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन कैन बी रिटन एज, कैन बी गिवन बाय टी इक्वल्स टू जीरो। खत्म खत्म, बात ही खत्म हो गई, मैं तो बिल्कुल पढ़ाता ही नहीं हूं ये सब चीजें। एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, खत्म हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अच्छा यही चीज यूज करके अपन पैरामेट्रिक फॉर्म भी लगा सकते हैं, तो इसमें क्या याद रखना पड़ा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हो। यहां पर यह बात है कि अगर आपके पास पॉइंट x1 y1 की जगह a sec थीटा b tan थीटा है, इफ ये तो डायरेक्टली लिखेंगे टेंजेंट एट a sec थीटा कॉमा b tan थीटा कैन बी रिटन एज, डायरेक्टली लिखेंगे ना, इसको भी अपन t इक्वल्स टू जीरो से लिख सकते हैं। मतलब याद रखने की जरूरत ही नहीं है सर, आप x1 की जगह, यहां पर x1 की जगह a sec थीटा डाल दो, तो x इंटू ए sec थीटा अपॉन ए स्क्वायर। अभी देखो यार ये a कटेगा है ना, a कटेगा तो अपन डायरेक्टली x इंटू sec थीटा बाय a माइनस y tan थीटा बाय b इज इक्वल टू वन, खत्म, बात ही खत्म हो गई ना। सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक, तो तीन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मैंने तुमको बताया। अच्छा ये जो लास्ट, सॉरी जो फर्स्ट वाला है, इसमें एक चीज और बतानी है, बता रहा हूं इसमें जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इट इज एग्जैक्टली सेम एज एलिप्स, है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो आता है वो एलिप्स में अपन ने जो पढ़ा था, एक्चुअली मैंने आपको वहां पे भी याद करने को नहीं बोला था, क्योंकि हम निकाल सकते हैं वो, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो आती है वो आती है माइनस ए स्क्वेयर एम अपॉन सी कॉमा माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी,
ठीक है, जहां पर सी ये है, सी इज नथिंग बट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फ्रेम ड्रॉप अभी कम हुआ है क्या? थोड़ा बहुत हो रहा है ना, बीच में काफी फास्ट हो रहा था, अभी चलो मैनेजेबल है मेरे ख्याल से। तो आपको समझ में आ गया टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला? कुछ याद करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको ये जो पॉइंट फॉर्म है और ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म, ये तो याद करना ही नहीं है। डायरेक्टली आपको बस स्लोप फॉर्म याद रखना, वो भी एलिप्स के जैसा है, बस यहाँ पे एलिप्स में प्लस होता था है ना, और इधर माइनस है, दैट्स इट। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर। देखो आपको ये नीचे जो सी है उसको याद नहीं रखना है, वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन याद रख लेगा, ऊपर वाली चीज याद रखो, माइनस ए स्क्वायर एम माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर एम माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहले लिख लो अच्छे से सब कुछ, नोट्स में प्रॉपरली आपके पास लिखा होना चाहिए। ठीक है, एलिप्स में यहां पर प्लस नहीं, यहां पर प्लस होता था बस, दैट्स इट, ये वाला माइनस नहीं होता था, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। लेट अस डू वन सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट वेट अ मिनट सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, which are perpendicular to the line four x plus five y minus three is equal to zero। पहले क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपका कंसेंट्रेशन यहाँ पे कहीं पे भी जाना नहीं चाहता है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कंपैरिजन से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि उसको आप याद रखो। ठीक है, आप कंपैरिजन से आराम से निकाल सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरिजन वाला ही कराने वाला हूँ, बट फिलहाल आपको मैंने ये इसलिए लिखवा दिया क्योंकि इसकी मदद से मैं आपको असिम्प्टोट्स पढ़ाऊंगा। हाइपरबोला में एक्चुअली एक और टॉपिक आता है असिम्प्टोट्स, तो उसके लिए मेरे को इसका यूज आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैंने आपको ये लिखवाया है और मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं हो रहा है या आपको पता है कि आप भूल जाओगे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, अपन कंपैरिजन से निकाल सकते हैं, दो सेकंड लगता है, बहुत आसान है, एक्सपेक्टेड लिखो, गिवन लिखो, कंपेयर करो, खत्म। ये सब इतने अच्छे अच्छे फंडे ना, मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे भी किया जा सकता था। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व क्या है, हाइपरबोला, देखते समझ में आ गया, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली लाइन से परपेंडिकुलर है टेंजेंट, है ना, तो मतलब टेंजेंट जो भी होंगे, मान लो ये टेंजेंट्स है, दो टेंजेंट बनाए जा सकते, दोनों टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाली लाइन का स्लोप क्या है, माइनस फोर बाय फाइव, तो दोनों टेंजेंट्स का जो स्लोप होगा m1 m2 वो क्या होगा, 5/4। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप अपने को पता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट
इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 5/4, ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। चलिए बहुत बढ़िया, अब आपको क्या बोलना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y इज इक्वल टू स्लोप इनटू x प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टू द हाइपरबोला का इक्वेशन ये होता है। तो x स्क्वायर अपॉन 1/4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1। यहां पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो a। देखो यार ये गलतियां आप लोग मत करना, ये जो प्लस वाला है वो क्या है 1/2, 1/4 मत लिख देना, वो a हो जाएगा और माइनस वाला अपने आप b हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 1/2 एंड b इज इक्वल टू 1/3। गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो y इज इक्वल टू स्लोप कितना है 5/4 इंटू एक्स प्लस माइनस, ऑटोमेटिकली आपको दो टेंजेंट मिलेंगे क्योंकि दो टेंजेंट विद द सेम स्लोप्स आर पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए हाइपरबोला। ओके, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1/4, एम स्क्वायर का वैल्यू क्या है 25/16, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9। तो y इज इक्वल टू 5/4 इंटू एक्स प्लस माइनस करके देखेंगे ना, तो 25, अरे यार ये तो कुछ खास बनेगा नहीं, मतलब बनेगा बट ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा जस्ट वेट, ओके आई हैव टू म्यूट, आप इसको प्लीज कैलकुलेट कर लो। ओके, तो करके देख लेते हैं ना, 25/64 माइनस 1/9 कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल के देखो यार, 25 इंटू 9 इज 225 माइनस 64 61 करके देख लेते हैं ना, 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा 225 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 9, 64 घटा देते हैं यहां से, तो 5 माइनस 4 इज 1, 12 माइनस 6 इज 6 और यहां पे आ जाएगा 161/9 9 1 0 9 71 नहीं कटेगा ना, ये 161/64 × 9। तो y इज इक्वल टू 5x/4 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 161/64 इंटू 9, ठीक है। अच्छा ये 64 इंटू 9 अंडर रूट के बाहर आके क्या बनेगा, 16 × 3, 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 8 × 3 24 आएगा, सॉरी, तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 161 अपॉन 8 × 3 = 24, 5x/4, दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ बोथ द टेंजेंट्स। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन। Where the line where the line 5x plus 12y is equal to 9 touches it। ये वही वाला क्वेश्चन है ना जो अभी अद्वैत कह रहा था, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है आपको, टेंजेंट गिवन है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है। ओके तो लेट अस सी। देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये वाली जो चीजें है ना ये ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में नहीं आपके दिल में बैठ जानी चाहिए कि यार हाइपरबोला दिया है, टेंजेंट गिवन है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है। तो आपको हमेशा क्या करना है, एक टेंजेंट खुद से लिखना है टी इक्वल्स टू जीरो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मान लो और उसके हिसाब से टेंजेंट लिख लो, और एक गिवन टेंजेंट है, दोनों सेम है तो कंपेयर कर लो। बहुत आसान तरीका है, बहुत ज्यादा आसान तरीका है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने का। तो लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, अब ये अंग्रेजी वाली बात मैं लिखने का मन नहीं करता लेकिन चलो लिख देते, लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, हाइपरबोला ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है एक्स वन कॉमा वाई वन तो यहां पर आप टेंजेंट कैसे लिखोगे, टी इक्वल्स टू जीरो से, ये t equals to 0 से आप टेंजेंट लिख दोगे। तो एक्सपेक्टेड टेंजेंट लिख दो खुद से और गिवन टेंजेंट लिख दो। गिवन टेंजेंट तो मेरे को गिवन है क्वेश्चन में तो मैं पहले वो लिख देता हूं, 5x plus 12y is equal to 9। एक्सपेक्टेड टेंजेंट ये हो जाएगा कि x square की जगह x x1, ठीक है, x x1 की जगह मैं x1 x लिख रहा हूं। उसके पीछे एक रीजन है क्योंकि आपको कोफिशिएंट कंपेयर करना है ना x1 by 5, थोड़ा सा सुंदर दिखे x x1, y की जगह आप लिखे y y1, ठीक है, 9 y1 y is equal to 9। बात समझ में आई आपको? अच्छा एक बात अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर 9 है और यहां पर 9 है तो कोएफिशिएंट सारे सेम हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट सेम हो गया, एक भी नंबर सेम हो जाता तो सब सेम होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन इक्वेट, आप चाहे तो इक्वेट आराम से कर सकते हो, अदरवाइज आप रेशो लेके भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा लिखते हो एक्स वन बाय फाइव इज इक्वल टू नाइन वाई वन बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू नाइन बाय नाइन तो भी ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इक्वेट कर देते हो यहाँ पे, जैसे x1 का वैल्यू 5 के बराबर होना चाहिए और y1 का वैल्यू सॉरी 9y1 का नेगेटिव 9y1 का नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू प्लस 12, ठीक है, तो भी ठीक है, एक ही बात है। एक ही बात इसलिए है क्योंकि आप लोग समझदार हो, है ना, अब अपन बड़े हो गए अपने को इतना समझ में आता है। तो आपके पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आ जाएगा, 5, देयरफॉर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी 5 कॉमा माइनस 12 बाय 9। माइनस 12 बाय 9 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3 चौके 12 ना, तो माइनस 4/3 ऐसे लिख सकते हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मेरे ख्याल से अपन इसके बाद का कल पढ़ते।
सॉल्व करके निकालते हैं तो बहुत टाइम लगता है पता है, और ये एक्चुअली इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो दिल में जो सेटिस्फेक्शन होता है ना कंपेरिजन से, बहुत शानदार मेथड है। और ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सच में। ये बहुत सारे क्वेश्चंस जब खुद सॉल्व करे थे एज ए स्टूडेंट, तो फिर उसमें समझ में आता है कि हाँ यार ऐसे करो ना यार। इसलिए ये सब मेथड जो है वो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस एक्चुअली मेक्स यू परफेक्ट। ओके लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। अभी ये सेम क्वेश्चन जो है फिर से करके देखते हैं अपन, है ना। इफ द लाइन 2x प्लस रूट 6y इज इक्वल टू 2 टचेस द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, ठीक है, जेई का क्वेश्चन है 2004, माइनस 2 कॉमा रूट 6 माइनस 5 कॉमा 2 रूट 6। फटाक से आप मेरे ख्याल से इसको 2-3 सेकंड में निकाल दोगे। 1/2 कॉमा 1/√6 और 4 कॉमा माइनस रूट 6, ठीक है। करके देखते हैं। इफ द लाइन टचेस द हाइपरबोला, अगर ये लाइन हाइपरबोला को टच कर रही है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने मान लिया x x1 माइनस 2 टाइम्स y y1 इज इक्वल टू 4, ओके। एंड इधर कर लिया अपन ने 2x प्लस रूट 6 y इज इक्वल टू 2। देखो मैं क्या करता हूँ, ये सामने जो 4 लिखा है इसको मैं 2 बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि 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 अपन वो कर जाए जो लोग नहीं कर पाते। वॉट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली इक्वेट x1/2 इज इक्वल टू 2 और माइनस y1, ये 2 और 2 कट जाएगा, माइनस y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है। तो x1 आ जाएगा 4 एंड y1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस रूट 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, चुटकियों में सॉल्व होते भाई क्वेश्चन, चुटकियों में। मैं बता रहा हूँ 50% जनता इन दोनों को, हाइपरबोला और लाइन को सॉल्व करेगी, आई गारंटी बहुत सारी जनता ऐसा सॉल्व करेगी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। कल अपन एडवांस और मेंस के क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क के लिए, दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, ओके, आप लोग कर लेना। सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वैसा ही है। देखिए, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, ओके, 2x-1 2x-y इज इक्वल टू 1, द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट points of contact
ऑफ द टेंजेंट्स ऑन द हाइपरबोला। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, ऑप्शंस तो मैं डेफिनेटली लिख दूंगा, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 9/√2, 1/√2। टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट, ओके, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक सम टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपको टेंजेंट गिवन नहीं है, यहाँ पे आपको टेंजेंट्स निकालने हैं, फिर कंपैरिजन करके आपको इत्मीनान से एकदम शांति से, देखो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन अपनी औकात में है। मैं सच बता रहा हूँ, एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है सबसे पहले देख लेता है कि ये क्वेश्चन औकात में है मेरे, मतलब ये क्वेश्चन मेरे को आता है कैसे सॉल्व करना है, तो इसको गलत तो नहीं करना है। अब इसको गलत नहीं करना है मतलब इसको आराम से करेंगे, टाइम लग जाए लेकिन सही आना चाहिए। -3√3, 2√2। ठीक है, आंसर इसका मैं बता दूं क्या आपको कि खुद से करोगे इसको, आप सॉल्व करना खुद से। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं। अमर जो आप पूछ रहे थे वो मैं बता देता हूं। नहीं, डीपीपी 1 नहीं भेजी मैंने, मैं आपको आज भेजूंगा। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व इट। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको टेंजेंट पहले निकालनी पड़ेगी, एडवांस का क्वेश्चन है। इसके आंसर जो है दैट इज ए एंड बी, ये इसका आंसर है। ठीक है, दो आंसर आएंगे क्योंकि दो टेंजेंट है ना। कल अपन इसको क्लास में सॉल्व करेंगे और फिर बचे हुए टेंजेंट के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं कल मैं आपको नॉर्मल भी पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल भी अपन कल पढ़ लेंगे। वी विल ट्राई टू फिनिश एज मच एज पॉसिबल बाय टुमारो। ठीक है, हालांकि एक दिन और लगेगा बट कल तक अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और अमर का जो डाउट है वो बता देता हूँ।